20,000 से लेके 90,000 तक की घूस देते हैं, चाहे ठेकेदार दूसरे दिन ही उसको भगा दे। महिला फ्री कर दी, डीटीसी वाले सारे रो रहे, मैं उस ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ। राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, और जब से ये दो सरकार आई है सत्ता में, जब से सबके राशन कार्ड बंद है। आप हरियाणा में चले जाओ, 6,000 स्कूल बंद कर दिए गए, प्राइवेट होने जा रहे हैं, तो कूड़े में जाके रोटी खाएं क्या? आप पार्टी और बीजेपी पार्टी ने मिलकर के एनडीएमसी की सारी फोर्थ क्लास की नौकरियां ठेकेदारों को दे दी गई है, कोई भी उसको वोट नहीं डालेगा, कर्मचारी गारंटी के साथ कहता हूं मैं। जो 2014 से भर्ती हुए हैं एनडीएमसी में, वो कच्चे कर्मचारी हद से ज्यादा परेशान है। 2014 से पहले भर्ती हो चुके थे, जिनकी रेगुलर मिस्टॉल चल रही थी, 2014 के बाद उनकी मिस्टॉल रोकी गई, और अब जितने टीएमआर हैं, जितने टेम्परेरी मिस्टॉल के हैं, उनकी पॉलिसी के अनुसार उन्हें 500 डेज के बाद रेगुलर करना था और अब परमानेंट करना था, लेकिन एनडीएमसी सभी पॉलिसियों को नकारे जा रही है, और एनडीएमसी कर्मचारियों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी दुर्गति हो चुकी है इस वक्त। लेकिन आपने तो जंतर मंतर पर आंदोलन भी किया था। मैंने आंदोलन कई बार किया है, और मैंने एनडीएमसी में और सफाई आयोग में जगह जगह मैटर भी लगाए हैं, और मुझे कहीं से आश्वासन नहीं मिला, और कहीं से मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ काम हो सकता है। लेकिन केजरीवाल सरकार तो कहते हैं कि हम जो रोजगार दे रहे हैं पक्के कर रहे हैं। आपको पता होगा, हमने तो कहीं देखा नहीं कहाँ पक्का किया है, और केजरीवाल की तो सरकार खुद झूठ की बुनियाद पे आई थी, जिसने दो दिन भी सरकारी स्थल पे काम किया है, हम उन्हें परमानेंट कराएंगे, और आज उनके आने की वजह से सारे परेशान है, और चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे किसी भी विभाग में हो, सभी परेशान है। और ये भी कह रखा है कि डी ग्रुप बंद कर दिया, डी ग्रुप बंद कर दिया गया है, और जब हमने उनके पीए से बात की, तो तब उन्होंने कहा कि जी 2006 से डी ग्रुप बंद है, तो तुमने 2014 में अपनी झूठ की बुनियाद पे पार्टी कैसे रखी, जब आपको पता ही था। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सभी को पक्के कर देंगे, पक्की नौकरी मिलेगी। कब सत्ता में आएंगे? कोई एक कदम तो बढ़ाए, एक किसी के बारे में सुने तो सही। ये तो हर तरीके से सत्ता में कब आएंगे? अभी तो ये जमुना की भी जमुना जी साफ कराएंगे, 13 में भी बोला इन्होंने, 15 में भी बोला, 18 में भी बोला, अब 21 में भी बोला, कब कराएंगे? यदि वो वादे पूरे नहीं करते तो वोट कैसे मिल रहा है? वही है ना, देखो आप इस बात को समझने की जरूरत है कि महिला फ्री कर दी, डीटीसी वाले सारे रो रहे, मैं उस ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ, और रही बात जो बिजली पानी फ्री है, फ्री कुछ नहीं है, जो 3 रुपए यूनिट बिजली थी, आज उसे 7 रुपए करके यूनिट बेचा जा रहा है, महिलाओं का जो विधवा पेंशन है और जो ये सब रोकी जा रही है, इसके ये जो छोटे छोटे फ्री के नाम पे जो हमें झांसा दिया जा रहा है, उसकी आड़ में कितना कमा रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा। लेकिन फिर लोग वोट दे रहे हैं उनको, तो वोट देने का, एमसीडी में जीत गए, एमसीडी में जीते, हम लोग वहां जाते हैं उस टाइम पे, वो जितनी महिलाएं होती है, जितने वो होते हैं, उन्हें 500-500 रुपए दे के तब भीड़ बना के लाया जाता है। लेकिन वोट तो मिल रहा है उनको। हाँ, तो वोट मिल रहा है ना, लोगों की यही समझ में नहीं आ रहा कि आज के 2 रुपए या 10 रुपए कमाने से उनका लालन पोषण नहीं होगा, उनकी जो जैसे सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर ठेकेदारी में कर रहे हैं, ठेकेदारी में कितना बुरा हाल है आपको पता है? 20,000 से लेके 90,000 तक की घूस देते हैं, चाहे ठेकेदार दूसरे दिन ही उसको भगा दे। लेकिन केजरीवाल कट्टर ईमानदार सरकार है आपकी नजरों में ना, हमारी नजरों में नहीं है। आप बताओ, आपको पता है इसमें झुग्गी झोपड़ियों में कितने सारे इन्होंने क्या है ये वादे किए थे, राशन कार्ड रद्द कर दिए गया, आपको पता चला अभी पिछले महीने की बात है, 50,000 के करीब राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, और जब से ये दो सरकार आई है सत्ता में, जब से
सबके राशन कार्ड बंद है। कौन कौन सी सरकार? बीजेपी भी ने भी यही किया, बीजेपी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एनडीएमसी में जो सबसे ज्यादा बेकार काम कर रहे हैं, हम लोग चेयरमैन चेयरमैन करते हैं, चेयरमैन तो सचमुच में इनके हाथों की कठपुतली है, रातों रात गायब हो जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। असल में तो जो टीएमआर इनके एनडीएमसी के कर्मचारियों की दुर्गति हो रही है वो ये दो मेंबर हैं, केजरीवाल और लेखी जी, यही दोनों इनको भुखमरी के तादार पे ले आई। लेकिन उनके जो तर्जे हैं केजरीवाल सरकार के, पूरी दुनिया में अच्छे स्कूल कर दिए, अच्छी हेल्थ कर दी है और अच्छी जो है उन्होंने, कितने दिन में बिकेगी वो स्कूल जो बहुत अच्छे बने वो कितने दिन में बनेंगे बिकेंगे ये भी तो बता दो। आप हरियाणा में चले जाओ, 6000 स्कूल बंद कर दिए गए, प्राइवेट होने जा रहे हैं, वही दिल्ली में आ जाएंगे। बीजेपी की सरकार ने क्या बोला है के जिनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे उन्हें 1500 रुपए दिए जाएंगे, आपने सुना है? हाँ, तो जब तक हम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में से निकाल के प्राइवेट स्कूल में करेंगे सिर्फ 1500 रुपए के लिए, तब तक ये सरकारी बिक चुके होंगे ना, तुम्हारे पास 1500 रुपए होंगे, कह देंगे जी हमारे पे बजट में खाते में बजट नहीं है, तो फिर ना तुम सरकारी हो और ना तुम प्राइवेट है, तुम्हारा बच्चा अनपढ़। लेकिन बच्चे तो प्राइवेट में अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे ना, कितने दिन पढ़ेंगे? एक फर्स्ट पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पढ़ लेंगे, फिर ये अपने पूरे रूप में आ जाएंगे और अपना बोल देंगे कि भाई हमारे बजट में पैसा नहीं है, फिर क्या करोगे? विदेशी अखबारों में फोटो छपते हैं कि अच्छे स्कूल कर दिए केजरीवाल ने दिल्ली में, बाहर आप तो इसी घर में रहते हो ना, बाहर वाले तो यहाँ के नहीं देख रहे ना क्या हो रहा है? तो प्रचार तो बहुत कर रहे हैं, बस के आगे भी पीछे भी। भाई जितना प्रचार में ये पैसा लगा रहे हैं ना, उतना अगर गरीबों के लिए लगाते तो सारे इनकी तरफ होते। आज हमें ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि हम जंतर मंतर पे बैठे हैं, या आज हम यहाँ बैठे हैं, या हम भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने जा रहे हैं, क्या नौबत आ गई अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो? अब वो जो पहाड़ खड़े हैं ना उसके कूड़े के, उन्हें खत्म कर देगी केजरीवाल सरकार, तो कूड़े में जाके रोटी खाए क्या? प्रदूषण तो जाएगा, प्रदूषण से जिया जाएगा, प्रदूषण बहुत खतरनाक चीज है ना आदमी जिंदगी। हाँ ठीक है, प्रदूषण प्रदूषण और कूड़े का ढेर से हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एनडीएमसी में 2014 से लेकर के अब जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे उन सबको घर बैठा दिया गया है। एनडीएमसी 93 में काउंसिल बनी थी, उसमें प्रावधान रखा गया था कि जो लोग 500 दिन डेली बेसिस पे काम करेंगे उनको रेगुलर मस्ट्रोल किया दिया जाएगा और दिया जाता रहा। 2014 में लास्ट डॉक्टर श्री अजय माकन जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने 2200 से ज्यादा लोगों को रेगुलर किया था, उसके पश्चात ये सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ, उन्होंने एनडीएमसी में आप पार्टी और बीजेपी पार्टी ने मिलकर के एनडीएमसी की सारी फोर्थ क्लास की नौकरियां ठेकेदारों को दे दी गई है और वो सब लगभग 5000 से 6000 लोग भुखमरी की कगार पे हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग अपने घरों में नौकरी की आस लेकर के, दिहाड़ी मजदूरी भी आज की डेट में कहीं नहीं मिल रही है, जब से कोरोना देश में आया था सब फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, सारे कारोबार बंद हो गए हैं, उधर ऊपर से एनडीएमसी ने इन सबको घर निकाल दिया काम से। लेकिन सर जब आप कह रहे हैं 2014 से परेशान कर रही है दिल्ली में सरकार, उसमें तो आप 2020 में आपने वोट दिया आम आदमी पार्टी को, एमसीडी में आपने जिता दिया केजरीवाल सरकार को, आप तो चाह रहे सरकार ऐसी बनती रहे? एनडीएमसी में चुनाव नहीं होते हैं लोकल बॉडीज के, एमसीडी ये सरकार फिर आ गई एमसीडी में? सर बिल्कुल आ गई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर आप ये मेरा मुद्दा ये नहीं है कि वो चुनाव जीत रहे हमने वोट नहीं दिया ना हम वोट दे रहे हैं ना खुश हैं। लोग जो प्रभावित लोग हैं वो वोट एमसीडी में वोट नहीं करते, वो एनडीएमसी में रहते हैं, वो एनडीएमसी कर्मचारियों के बच्चे हैं, वो एनडीएमसी परिवार के लोग हैं जो यहीं इसी एरिया में क्लस्टर्स में रहते हैं सब लोग। तो ये 2025 में जवाब मिलेगा केजरीवाल को, हम नहीं दे पाए आप एमसीडी में सर, चुनाव में चुनाव नहीं है, 20 में तो दे देते ना सर, चुनाव नहीं होता यहाँ पर, 20 में दे देते ना सर। देखिए झूठ बोल बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
लोग कब तक गुमराह होंगे? वो राष्ट्रीय पार्टी बना दी सर आपने, सर मैंने राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनाई है। सर मैंने बोला कि लोकल बॉडीज में एनडीएमसी में हम लोग नहीं वोट कर, वोट नहीं, हमें हर बॉडी चुनने का अधिकार नहीं है, हम लोग सिर्फ एमएलए और एमपी चुन सकते हैं ओनली। बीस में चुना आपने? सर हमने नहीं, मैंने नहीं चुना। कोई भी कर्मचारी कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करने वाला किसी का कर्मचारी उसने इस पार्टी को तो चुना ही नहीं होगा, क्योंकि जिसके मुंह से हम सुनते हैं कि आम आदमी पक्का करे, पक्का करे, आज तक नहीं करा, कोई भी उसको वोट नहीं डालेगा कर्मचारी, गारंटी के साथ कहता हूं मैं, और किसी ने डाला भी नहीं होगा। ये झूठी मशीनें चल रही हैं। यूनियनों के साथ हम जुड़े हुए हैं, हर जगह हम जाते हैं और अनगिनत संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। हमें नहीं लगा कहाँ जाएंगे आंदोलन करने के लिए, कहाँ अपनी गुहार लगाएंगे इसके बाद में? हम डॉक्टर उदय राज जी के पास आए हैं और इनके द्वारा इनके नेतृत्व में काम करेंगे।